आरो बेटा। हाँ दादाजी। ये कब से चल रहा है तेरा यहाँ पर? दादाजी ये 5 मिनट से ही शुरू है मेरा ड्राइंग। 5 मिनट? ये 5 मिनट से ना? अरे हरजीत क्या बेटा? दादाजी ये हाँ। यहाँ पर ये आरो कब से बैठा है? 1-2 घंटे हो गए दादाजी। सुना तुमने 1-2 घंटा, और तू क्या बोल रहा है सिर्फ 5 मिनट? और मुझे मालूम है तेरा ये ड्राइंग 5 मिनट में होने वाला नहीं है। अरे तू इतना क्यों टाइम पास कर रहा है यहाँ पर? तुझे बड़े होकर तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है मेरी तरह। मैं कौन हूँ मालूम है ना? आईएएस ऑफिसर। और ये देख, ये तेरी बहन है ना, इसको भी मुझे डॉक्टर बनाना है। तेरी मम्मी डैडी को देख, बड़े नामचीन कंपनी में काम कर रहे हो, और तू यहाँ पर बैठ कर ये ड्राइंग, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये ड्राइंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ नहीं होने वाला है, समझा? चलो जा पढ़ाई कर, उठ। पर दादाजी मैं तो मेरा स्कूल का सारा होमवर्क कर लेता हूँ, और मैं टाइम पास भी नहीं करता कार्टून देखने में। और ये क्या है? ये टाइम पास ही है। पर दादाजी मुस्तफा सर बोलते कि तू बहुत अच्छा पेंटर बनेगा, बहुत आगे जाएगा। मुस्तफा, चलो जा पढ़ाई कर, उठ निकल, जा अपने रूम में जा। दादाजी वो मुझे मुस्तफा सर को 6 बजे दिखाना है, वो आने वाले हैं। क्या करो, चल देखता हूँ मैं क्या करना है उसको। जा प्लीज दो ना। जा जा निकल वहाँ पे, पढ़ाई करने बैठ, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, समझा? हाँ दादाजी। ये मुस्तफा जो ड्राइंग पढ़ाते वो ना, उसको मैं देख लेता हूँ। अरे कैसा है लिटिल चैम? अरे होमवर्क का मैं क्या करूंगा? पेंटिंग ड्राइंग कहाँ है तेरी? भ्रूंग भ्रूंग। सर ड्राइंग की बुक वो दादाजी ने ले ली। क्यों? वो छीन लिया। अरे सलाम अलैकुम। आज भी आ गए आप? हाँ आ गए। ये क्या सिखा रहे हो उसको? ये हम ड्राइंग सिखा रहे। ड्राइंग? हाँ। अरे तुम्हें मालूम है मैं कौन था? आप तो आईएएस ऑफिसर। जी जी जी। और इसे भी आईएएस ऑफिसर ही बनाना है। ये क्या रखा है इसमें, ये ड्राइंग वगैरह में? कुछ फायदा नहीं इसका, बेकार की बात है, बेकार का काम है वो सब। बेकार का काम है? और क्या है? मतलब कैसे क्या बेकार का काम है? मुझे इसे आईएएस ऑफिसर ही बनाना है। अरे तो मतलब आप साहब बनाइए उसको आईएएस ऑफिसर, लेकिन उसको बच्चे को उसमें दिलचस्पी है, उसको करने दो ना, उसके हाथ में जादू है साहब। अरे इसी चक्कर में वो 5-5 घंटा यही करते बैठता है ड्राइंग का, पढ़ाई कुछ नहीं करता है वो। अरे साहब मेरे को एक बात बताओ, पढ़ाई करके क्या बनाना है उसको? आईएएस ऑफिसर। बेटा तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है क्या? नहीं। उसको नहीं बनना। अरे अब जबर नहीं, देखो देखो देखो, गुस्सा करेंगे तो वो बोलेगा कि मुझे बनना है। मुझे एक बात बताओ सर, ये जो ड्राइंग है या जो पेंटिंग है या जो कला है, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या लगता है आपको? बेकार है सर। बेकार है, फालतू है। इसके अम्मी अब्बा मम्मी पापा कितना पैसा कमाते? महीने के 2 लाख। 2 लाख? आप भी बहुत पैसा कमाए होंगे। अब पेंटिंग नाम की एक चीज रहती मालूम है आपको? घर में जो पेंटिंग लगाते लोग अमीर लोग है ना, जिनको आर्ट का सेंस है वो लोग। एम एफ हुसैन का नाम सुने आपने? सुना है। रजा? सुना है। रवि वर्मा? हाँ सुना है। साहब इन लोगों की पेंटिंग 1-1 करोड़ में बेची जाती, तो पेंटिंग को हल्के में मत लो। ये बहुत बड़ा पेंटर बनेगा है बच्चा, इसमें बात है। अरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है बच्चा। अब मेरे को, मैं 4,000 के ट्यूशन के लिए नहीं आता इधर, मेरे को बच्चे को बनाने का है। आप ये मत सोचो पैसे के लिए आ रहा मैं इधर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको कौन सा आर्ट पसंद है? कुछ है क्या? हाँ दादा को रफी साहब पसंद है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराब। कलाकार आपके अंदर है, मेरे को एक बात बताओ साहब, अपने अंदर का कलाकार कब बाहर निकालेंगे? सिंगर बनना था ना आपको, देख सकता मैं आंखों में तुम्हारी। साहब आईएएस बनने के चक्कर में टाइम तो निकल गया ना, उम्र तो निकल गई ना, नाम शोहरत पैसा आ गया, लेकिन हैप्पीनेस? छोटे मोटे गांव में, छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा में छोटे मोटे सिंगर बनते हैं ना आप,
तो जिंदगी कुछ और होती थी आपकी, लेकिन आपके आंखों के सामने से आपकी जिंदगी निकल गई और आप आज भी चेहरे पर आपकी मायूसी है। ये जो आपके साथ हो गया साहब, ये इस बच्चे के साथ भी होने देना आपको? इतना ही बताओ मेरे को, और कुछ नहीं। मैं तो चला जाऊंगा यार, 4,000 कौन सी बड़ी बात है, मेरे को पैसे के लिए नहीं करता मैं, ये बच्चे के लिए करता मैं काम। अरे साहब साहब, बच्चा पेंटर बनेगा, पेंटिंग के लिए पैदा हुआ बच्चा साहब। दादाजी नाराज हो गए। चल आ रहा हूं, मेरा भी मेरे को लगता लास्ट कला सही है इस ताकत से। अरे साहब नहीं आऊंगा आज के बाद। ले आ रहा हूं बेटा, ये तेरा ड्राइंग, और ऐसे अच्छे करना, अच्छा करना ड्राइंग, और आज से दादाजी भी तुम्हारे साथ में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, इट इज चैंप, कांग्रेचुलेशंस, वाओ। ये साहब दूसरे बच्चे नहीं कर सकते, ये बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो इसको कैसा बनाता मैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ये। देखो सिर्फ आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है ना, तो अब कोई नहीं रोक सकता मुझे।